Hello and welcome back to the course of Power Engineering and Refrigeration for 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on third chapter, that is air compressor, and our topic for today's lecture is the numerical on compressor. So in this video lecture we are going to solve about some numerical problems on compressor. The learning outcome: after completion of this video lecture, the learner will be able to calculate the performance of compressor. तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्रेसर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्प्रेसर के डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स या टेस्टिंग पैरामीटर्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसमें हम लोग कॉम्प्रेसर का वर्क डन निकालेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एफिशिएंसीज कॉम्प्रेसर की किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है वो हम लोग देखेंगे। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पीओ वन यानी बेसिक नॉलेज मैप हो रहा है, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ बेसिक मैथ्स एंड इंजीनियरिंग, सो इसीलिए हमारा पीओ वन मैप होता है यहाँ पे। दूसरा पीओ टू डिसिप्लिन नॉलेज हमारा बढ़ने वाला है, जो हम सीखने वाले हैं दैट इज अ कोर टॉपिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसीलिए डिसिप्लिन नॉलेज PO2 भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है। उसके बाद होता है PO3 एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स टू कैलकुलेट द डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ कॉम्प्रेसर, दैट्स व्हाई PO3 भी हम लोगों ने मैप किया है। उसके बाद इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे मैप किया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द डिफरेंट टूल्स विच आर यूजफुल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन PO8 दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो आपको इंडिविजुअली कॉम्प्रेसर का परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करना है वो आना चाहिए, टीम वर्क में आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना आना चाहिए, सो इसीलिए PO8 मैप किया है। PO9 इज द कम्युनिकेशन दैट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द वर्किंग एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्रेसर, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसीलिए PO9 कम्युनिकेशन मैप किया हुआ है। उसके बाद आता है PO10 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सो वट एवर we are going to learn in this particular video lecture, it will be useful throughout your life. Then PSO2 and PSO3 jo yahan par humne map kiya hai, that is mechanical engineering process and mechanical engineering tools. To ek process hai bahut kaam ki, ki compression is one of the most important process in the mechanical engineering, so how what are the equipments which are used to perform this, you should be able to know it. So that's why this PSO2 and PSO3 is also mapped for this video lecture. So this is all about the learning outcome, what we are going to learn in this particular video lecture. आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए, और इसके पहले जो हमने वीडियो पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने सारी डिटेल पढ़ी थी कि परफॉर्मेंस पैरामीटर्स या कॉम्प्रेसर के टर्मिनोलॉजी कौन सी होती है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उसके फॉर्मूले हमने देखे थे। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्रेसर, जो आपको पता होनी चाहिए। वी वॉल्यूम इसको वी वन से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोगों ने एन की वैल्यू ली है बिकॉज कॉम्प्रेसर इज रनिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड, तो कितने स्पीड पे चल रहा है एन की वैल्यू आरपीएम में डालेंगे तो आपको ये वॉल्यूम मीटर क्यूब पर मिनट में मिलेगा, अगर आरपीएस में डाल रहे हो तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्रेसर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू दी वी एस यानी स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइकल्स वी आर कंप्लीटिंग, दैट्स व्हाई एन इज देयर। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूला इज पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी, सो पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी हमने पिछले सेमेस्टर में थर्मल में पढ़ा है, इट इज वन ऑफ द बेसिक फार्मूला फॉर दी एनी टाइप ऑफ
थर्मल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, सो दैट्स व्हाई इट इज हियर। उसके बाद हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था वर्क डन, इंडिकेटेड पावर भी बोल सकते हैं वर्क डन को, और कॉम्प्रेशन कितने तरीके की प्रोसेस होती है, तो आइसोथर्मल में फॉर्मूला क्या होता है वो हमने पढ़ा था, पॉलीट्रॉपिक में क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है, एंड एडियाबैटिक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी है। साथ ही साथ कुछ टाइप की एफिशिएंसी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इंडिकेटेड एफिशिएंसी, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन कॉम्प्रेसर। सो इतनी ही सारी चीज़ें हमने इस वीडियो लेक्चर में अभी तक पढ़ी हुई है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको पॉज कीजिए, पिछला वीडियो रिवाइज कीजिए, और ये सारे जो फार्मूले यहाँ पे बताए गए जितनी चीज़ों के, ये सारे फार्मूले आप अपनी कॉपी में एक जगह पर लिख लीजिए ताकि हम लोग आगे पढ़ सके। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑन रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो न्यूमेरिकल है इसको अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए ताकि हम लोग साथ साथ में इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आप भी न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं और गिवन डाटा फाइंड आउट करते हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है गिवन डाटा। सो क्या दिया हुआ है, अ रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर ड्रॉज 6 kg ऑफ एयर पर मिनट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली चीज क्या दी हुई है कि ये दिस इज द एयर विच इज ड्रॉइंग। अब कहाँ से निकाल रहा है एयर, कहाँ से लेके आ रहा है, ये एयर एटमॉस्फेयर से लेके आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो रेसिप्रोकेटिंग एयर एटमॉस्फेयर से आ रही है। सो दिस 6 kg ऑफ एयर पर मिनट इज नथिंग बट दी आवर मास फ्लो रेट, जिसको m से डिनोट करेंगे तो m कितना है 6 kg पर मिनट, उसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 डिवाइड बाय 60 करेंगे, सो आपको मिलेगा 0.1 kg पर सेकेंड। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज गिवन टू अस, नेक्स्ट इज गिवन इज कि इट कॉम्प्रेस द एयर पॉलीट्रॉपिकली। तो एयर कॉम्प्रेशन प्रोसेस कैसे हो रही है, पॉलीट्रॉपिक हो रही है, यानी पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन है। सो पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन है इसलिए प्रोसेस कौन सी पॉलीट्रॉपिक, तो हम फार्मूले कौन से यूज करेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वाले। देन आगे क्या दिया हुआ है, T1 की वैल्यू हमें दी हुई है जो है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए क्या करते हैं 25 प्लस 273 ऐड करते हैं, सो T1 विल बी 298 केल्विन। उसी के बाद आपको दिया हुआ है कि डिलीवरी एट 105 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 की वैल्यू दी है 105 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 105 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 378 केल्विन। देन आगे क्या निकालना है हमको, फाइंड द वर्क डन बाय द कंप्रेसर एंड एयर पावर। सो पावर कितना लग रहा है और वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ हमें क्या क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इफ शाफ्ट पावर इज 14 किलोवाट and assume R is equals to 0.287 kJ per kg degree Kelvin and polytropic index N is 1.3, so वो भी दिया है, shaft power लिख लेंगे 14 kW। अगला हमें दिया है value of R यानी universal gas constant 0.287 kJ per kg degree Kelvin, और आखिरी में आपको दिया हुआ है N की value 1.3, and हमें find out क्या क्या करना है, we need to find out the power required work done by the compressor and mechanical efficiency. So दो power हमें यहाँ पर calculate करना है, work done यानी air power कितना लगने वाला है वो calculate कर रहे हैं, and mechanical efficiency हम लोग यहाँ पर calculate करेंगे। So this is the given data. तो problem पढ़िए और ये given data आपको निकालना आना चाहिए। सो आई होप कि आपने प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ा है और गिवन डाटा फाइंड आउट किया है। सो ये जो गिवन डाटा हमने अभी फाइंड आउट किया था वो यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन। सो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो है टू फाइंड द पॉलीट्रॉपिक वर्क डन, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कॉम्प्रेशन कैसे हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर
पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन। तो पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन का फार्मूला क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन का फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन माइनस वन एम आर टी वन, ब्रैकेट में रहेगा पी टू बाई पी वन एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। सो ये हमारा फार्मूला है टू कैलकुलेट द वर्क डन। यहाँ फार्मूले को ध्यान से देखिए तो हमें कौन सी चीज़ें गिवन है। हमारे पास m की वैल्यू है, हमारे पास r की वैल्यू है, हमारे पास t1 भी है, हमारे पास n की वैल्यू भी है, पर p2 और p1 ये दोनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो क्या करना पड़ेगा? सो हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हमारे पास पीवीटी रिलेशन हमको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन के फॉर्मूले हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो उसी को फॉर्मूला देखते हैं कि P2 by P1 is equals to the power n minus 1 term can be replaced by T2 by T1। तो अगर इसको हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारा नया फॉर्मूला क्या होगा? This formula will be n upon n minus 1 mRT1 T2 minus T1, T2 upon T1 minus 1, और इसकी सारी वैल्यूज हमारे पास है। अब हमारे पास T2, T1 की वैल्यूज है, सारी वैल्यूज यहाँ पर आप पुट डाउन कीजिए एंड कैलकुलेट the वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज the पावर, एयर पावर। सो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कैलकुलेट कीजिए। सो आई होप कि आपने कैलकुलेट किया है और आपका आंसर और इस आंसर को मैच कीजिए। तो W विल बी इक्वल्स टू 9.49 किलो वैट यहाँ पर आएगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर वर्क डन। सो इस तरह से हम लोग ने कैलकुलेट किया पॉलीट्रॉपिक वर्क डन फॉर कॉम्प्रेशन। सो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आगे देखते हैं, दूसरी चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए क्या करेगा? टू फाइंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो यहाँ पर इंडिकेटेड पावर यानी वर्क पावर हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, शाफ्ट पावर हमें गिवन है जो है 14 किलोवाट। सो इंडिकेटेड पावर या एयर पावर या फिर वर्क डन बाय दी फॉर कॉम्प्रेशन, वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रेशन, ये सभी एक ही नाम है, तो अलग अलग नाम को हम बोल सकते हैं। सो हम फाइनली मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कितना होगा? हमारा फॉर्मूला आया था 9.49 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसको कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कीजिए कि मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी आएंगी। सो आई होप कि आपने मैकेनिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट की है और देखिए आपका आंसर मैच कीजिए। सो हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी आता है 67.78%। सो दिस इज अवर सेकेंड आंसर। Now, let's solve one more problem on compressor so we can have a better practice of solving this kind of problems. तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये पूरा प्रॉब्लम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। So, I hope कि आपने प्रॉब्लम लिखा और इसे एक बार पढ़ा है। So, देखिए ध्यान से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले गिवन है A single cylinder reciprocating compressor has a bore of 120 mm and a stroke length of 150 mm. So, दो चीजें यहाँ पर हमको given है। तो हमें क्या क्या given है? सबसे पहली चीज bore diameter. So, diameter is given, that is 120 mm और उसको convert कर लेंगे meter में, तो 0.120 meter में हमने उसको convert कर लिया। उसके बाद स्ट्रोक लेंथ हमें गिवन है, सो एल इज इक्वल्स टू 150 mm, तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 10^-3 से, सो ये आता है 0.150 मीटर। देन नेक्स्ट इज ड्रिवन एट द स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। तो आपको क्या दिया है?
एन यानी कैपिटल एन की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1200 आरपीएम। तो ये भी तीसरी चीज गिवन है हमें। आगे लिखा है इट इज कॉम्प्रेसिंग CO2 गैस फ्रॉम द प्रेशर ऑफ 120 kPa एंड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी गैस है? CO2 गैस है और उसका प्रेशर कहाँ है, शुरू कहाँ से हो रहा है कॉम्प्रेशन, 120 kPa से। सो दिस 120 kPa इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ P1। तो P1 की वैल्यू कितनी है, 120 kPa, और इसे कन्वर्ट करना है बार में, तो 1.2 × 10⁻³ आपको करना पड़ेगा, सॉरी 2 करना पड़ेगा। सो आपका ये आ जाएगा 1.2 बार। तो 1.2 बार आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप दूसरी नेक्स्ट चीज जो दी है वो है टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टी वन की वैल्यू दी है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। सो 20 + 273 = 293 केल्विन। एंड देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ 215 डिग्री सेल्सियस, यानी हमें क्या दिया है, टी टू दिया है, टी टू की वैल्यू है 215 डिग्री सेल्सियस, तो उसे भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में और वो आएगा 488 केल्विन। नाउ assuming the polytropic compression with n is equals to 1.3, यानी किसकी वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है हमें 1.3, तो 1.3 यानी polytropic index की वैल्यू दी है। साथ में बोला गया no clearance है, यानी clearance कुछ भी नहीं दिया है, and volumetric efficiency कितनी है, 100%, so volumetric efficiency is 100%, so this is the given data। आगे देखते हैं कि find out क्या क्या करना है, तो हमें क्या क्या find out करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर रेशो, उसके बाद दूसरी चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है इंडिकेटेड पावर, तीसरी शाफ्ट पावर यानी आप पावर कितना सप्लाई कर रहे हो अगर एफिशिएंसी 80% है, एंड द लास्ट वन व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट इज मास फ्लो रेट। सो दीस आर द गिवन डाटा एंड क्या फाइंड आउट करना है, यानी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक नहीं समझा है, कोई गिवन डाटा नहीं समझा है, तो उसे ध्यान से पढ़िए। याद रखिए हम केपीए को कन्वर्ट कर रहे हैं बार में, जब हम पास्कल को बार में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ करते हैं, यहाँ पे केपीए था इसीलिए हमने उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। सो इसीलिए याद रखना है, ये बेसिक चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। सो दिस इज, आई होप कि आपको ये जो गिवन डाटा हमने फाइंड आउट किया है ये बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और आगे का ये न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं। सो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल का अपने ध्यान से पढ़ा है और गिवन डाटा आपने समझ के निकाला है, तो आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है स्टेप वन, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेशर रेशो। अब प्रेशर रेशो का फॉर्मूला होता है P2 / P1, P2 यानी डिलीवरी प्रेशर और P1 यानी सक्शन प्रेशर। सो इट इज द रेशो ऑफ डिलीवरी प्रेशर टू द सक्शन प्रेशर। दिस प्रेशर रेशो इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्रेशन रेशो। तो कॉम्प्रेशन रेशो बोला जाए एग्जाम में कभी न्यूमेरिकल में, या प्रेशर रेशो बोला जाए, फॉर्मूला सेम रहेगा। इसको PD / PS भी आप लिख सकते हो। तो P2 / P1 हमें फाइंड आउट करना है, पर यहाँ अगर आप गिवन डाटा देखें तो हमारे पास P1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू है और T2 की वैल्यू है, पर P2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट P2 / P1। सो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले P2 की वैल्यू ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास है PVT का रिलेशन। सो PVT का रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले हमें P2 फाइंड आउट करना है, PVT का रिलेशन यूज करेंगे। सो PVT के रिलेशन में हमारे पास है P2 / P1 इज इक्वल्स टू T2 / T1 टू द पावर n अपॉन n माइनस 1। तो ये प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशंस होते हैं, ये थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस। सो अगर ये आपको पता है, अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार थर्मल इंजीनियरिंग। सो अब यहाँ पे जो फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास P1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है और N की वैल्यू भी है।
हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पी टू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कीजिए सारी। सो पी वन की वैल्यू है 1.2, उसके बाद टी टू की वैल्यू है 488, 293 टी वन की वैल्यू एंड 1.3 फॉर एन। और वीडियो को पॉज कीजिए एंड कैलकुलेट द वैल्यू फॉर पी टू। सो पी टू की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट की तो इट विल कम टू 10.9594 बार। सो पी टू की वैल्यू मिल गई, तो अब हम प्रेशर रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। पी टू बाय पी वन इज इक्वल्स टू 10.94 डिवाइड बाय 1.2, सो प्रेशर रेशो कम्स टू 9.11। सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, दैट इज 9.11। तो प्रेशर रेशो यानी पी टू बाई पी वन इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है एंड इट केम्स आउट टू बी 9.11। देन आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीजें कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द सेकेंड पैरामीटर। और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है हमें, दूसरी जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो है इंडिकेटेड पावर। सो इंडिकेटेड पावर इज ऑल्सो नोन एज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रन द कॉम्प्रेसर। और एक्चुअल में वर्क डन जो लगता है कॉम्प्रेसर को चलाने के लिए वो हम लोग लेते हैं पॉलीट्रॉपिक वर्क डन। सो पॉलीट्रॉपिक वर्क डन या इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन माइनस वन एम आर टी वन एंड ब्रैकेट पी टू बाई पी वन टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। नाउ यहाँ अगर ये फार्मूला हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास m की वैल्यू नहीं है, r की वैल्यू अभी तक नहीं है हमारे पास, और t की वैल्यू नहीं है। तो m की वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला बेसिक हमको पता है, पी वन वी वन इज इक्वल्स टू एम आर टी वन। सो ये जो वैल्यू है एम आर टी वन की, इसको रिप्लेस करेंगे बाई यूजिंग दिस वैल्यू, दैट इज पी वन वी वन। सो द फार्मूला विल बी लाइक दिस। सो यहाँ का अगर फार्मूला देखें तो हमारे पास एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 1.3, उसके बाद पी वन की वैल्यू हमारे पास है 1.2 बार, वी वन की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं, ये वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट करनी है। तो ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पी टू की वैल्यू है, पी वन की वैल्यू है, या फिर डायरेक्ट प्रेशर रेशो की वैल्यू डाली तो भी चलेगा, और एन भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वी वन। तो वी वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू वी एस। सो क्या फॉर्मूला है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल इंटू एन। एन के ले रहे हैं क्योंकि एक आरपीएम पे आपका जो कॉम्प्रेसर है वो चल रहा है, तो पाई बाय फोर इंटू 0.120 एंड 0.150 और 1200 एन की वैल्यू। तो आपको एन की वैल्यू, वी वन की वैल्यू मिल जाएगी 2.036। ये वैल्यू का हमें मिली मीटर क्यूब पर मिनट में, क्योंकि आपने 1200 का हमें डाला है आरपीएम में, पर हमें क्या चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ जो आपको वैल्यू चाहिए वर्क डन की वो किलोवाट में आनी चाहिए। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास वी वन की वैल्यू है और वो कितनी है, 0.034 मीटर क्यूब पर सेकेंड में। सो ये ध्यान में रखिए कि आपको जब भी वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हम किलो वैट में निकालते हैं, और किलो वैट होता है मीटर, किलो वैट जो होता है वो होता है किलो जूल्स पर सेकेंड में। तो पर मिनट में अगर आपने वैल्यू डाली है तो दैट विल बी नॉट अ करेक्ट वैल्यू। सो वी वन की वैल्यू मिल गई है, तो अभी इसको ये सारी वैल्यूज हम डब्ल्यू के फॉर्मूले में यानी इंडिकेटेड पावर के फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे। सो आगे ये सारी वैल्यू पुट ऑन कीजिए और कैलकुलेट कीजिए W कितना आता है। तो फार्मूला यूज कर रहे हैं, ढेर सारी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है वीडियो में, वीडियो में पॉज कीजिए। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिए है और इसको कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये कैलकुलेट कीजिए। तो आई होप कि आपने कैलकुलेट किया है और आंसर देखिए कितना आया है। सो अगर आपका इंडिकेटेड वैल्यू का आंसर आया है 11763.05 वाट इज इक्वल्स टू, हमने उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, 11.76 किलोवाट। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, जो P1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है वो 1.2 इंटू 10^5 यानी मैंने क्या में पुट की है, ये न्यूटन में, सॉरी बार में पुट की है। तो अगर मैं इसको KPa में पुट करता तो ये डायरेक्टली ये वाली वैल्यू आती, तो मुझे क्या चाहिए, किलो बार में मैंने पुट की है, इसीलिए ये वैल्यू इस तरह से दिखाई दे रही है। सो दिस इज द नेक्स्ट आवर कैलकुलेशन।
आगे देखते हैं, तीसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है स्टेप थ्री। क्या कैलकुलेट करेंगे? टू फाइंड द शाफ्ट पावर व्हेन मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 80%। तो हमें गिवन है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर 80% रही तो शाफ्ट पावर कितना होगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर। सो हाउ मच विल इट कम? तो आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया है 80%, इंडिकेटेड पावर आया था 11.76 किलोवाट एंड वी कैन कैलकुलेट द शाफ्ट पावर। सो कैलकुलेट द शाफ्ट पावर एंड इट विल कम्स टू बी 14.7 किलोवाट। अगर आपका आंसर इतना आ रहा है तो आपने सही न्यूमरिकल कैलकुलेट किया है। सो आई होप कि यहाँ तक आपका न्यूमरिकल सही कैलकुलेट हो गया है। एक आखिरी फैक्टर कैलकुलेट करना है, आइए देखते हैं उसे भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट स्टेप नंबर फोर। क्या कैलकुलेट करना है हमको? मास फ्लो रेट, जिसको एम से डिनोट करते हैं। सो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है? P1 V1 इज इक्वल्स टू MRT1। सो हमारे पास P1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है, M की वैल्यू है, सॉरी M तो हमें कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू हम लेंगे और T1। सो ये वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले जो P1 की वैल्यू पुट करेंगे हम वो पास्कल में करेंगे या उसके बाद V1 की वैल्यू हमारे पास है 0.034, M हमें कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू रहेगी 0.287। तो देखिए 0.287 किलो जूल पर केजी में रहता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किलो जूल्स में नहीं ले रहे, इसीलिए जूल्स में हमने वैल्यू ली है R की। सो इट विल कम्स टू 0.287 और N वैल्यू का में है जूल्स पर केजी केल्विन में हमने इसको लिया हुआ है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। देन T1 की वैल्यू हमको गिवन थी 293, तो हमने वो यहाँ पे यूज किया। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M। सो M कितना आएगा? M कैन बी कम्स टू 0.0485 किलो केजी पर सेकेंड। क्यों सेकेंड में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने सब वैल्यू नीचे के इसमें ली थी, तो ये सेकेंड में वैल्यू आएंगी क्योंकि ये हमने सेकेंड में लिया था। सो M की वैल्यू इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। So in this way we have come to the end of this second video, second numerical also. So I hope कि आपको compressor के parameters calculate करना आया होगा. Now in the end, what let's summarize the lecture. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हमने कैलकुलेट करना सीखा कि कंप्रेसर का परफॉर्मेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पर हमने वर्क डन फाइंड आउट किया है, एफिशिएंसीज कैलकुलेट की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो वीडियो को बार बार देखिए और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम ऑन माई नंबर्स। सो Before ending the lecture, let's learn about the PO and PSO mapping. तो सबसे पहले हमने क्या किया था? PO1 को मैप किया था। PO1 यहाँ पे मैप किया हम लोगों ने क्योंकि हमारा बेसिक नॉलेज बढ़ा इससे। उसके बाद डिसिप्लिन नॉलेज इन्हांस हुआ है, इसीलिए PO2 मैप किया। हमने प्रैक्टिस की है न्यूमरिकल्स की, हमको प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए PO3 मैप किया है, दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग टूल्स, इसीलिए PO4 मैप किया है। Then PO8, 9, 10, that is individual and teamwork, communication or lifelong learning हमने मैप किया। साथ ही साथ हमने मैप किया PSO2 और PSO3, that is mechanical engineering process and mechanical engineering tools। So इस तरह से ये इस वीडियो लेक्चर के PO और PSO मैपिंग थी। So I hope कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। So in the next video lecture we are going to learn about the rotary compressor. Till then, thank you and keep learning.